बीजेपी संगठन को इंतजार था नए प्रदेश अध्यक्ष का, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों सब इंतजार कर रहे थे, और जब घोषणा हो गई नए प्रदेश अध्यक्ष आ गए तो सब लोग थोड़ा रिलैक्स मूड में हैं। और देखिए आज मैदान में उतरे हैं बीजेपी संगठन के लोग और जो विधायक हैं, सरकार में मंत्री हैं, उनके बीच ये मैच हो रहा है केडी सिंह बाबू स्टेडियम में। दानिश आजाद अंसारी राज्य मंत्री हैं, रमेश मिश्रा विधायक हैं, संगठन के तमाम सारे लोग हैं। दानिश जी, इंतजार हो रहा था प्रदेश अध्यक्ष का, वो आ गए तो थोड़ा संगठन के लोग भी अब रिलैक्स मूड में। हम लोग माननीय प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे भूपेन जी हैं, निश्चित तौर पे एक सशक्त नेतृत्व हमें मिला है और उनके नेतृत्व में हम संगठन को नई ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। और आज हम तमाम विधायकगण और संगठन के लोगों ने ये लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में एक फ्रेंडली मैच का आयोजन करके, जो खेलो इंडिया हमारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत से आह्वान किया था, उसको प्रमोट करने के लिए तमाम हम लोग आज केडी सिंह स्टेडियम में जुटे हैं। और तमाम आप देखें समाज संगठन के लोग, विधायक सभी लोग मौजूद हैं। तो संगठन के भी लोग हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पर, हरीश नजर आ रहे हैं, पी एन पाठक, प्रकाश द्विवेदी, रमेश जी। तो अभी तक तो मैदान में आप लोग कई बार आ चुके हैं, पर जो बात थी संगठन सरकार से बड़ा मैदान में क्या हुआ? देखिए ऐसी बात नहीं है, फ्रेंडली फाइट है और संगठन और एमएलए की टीम दोनों लोग मिल के हम लोग खेल रहे हैं। और आप देखिए आज हम लोग एमएलए की टीम जो है यहाँ पर जीती भी है। और कल हम लोग चूंकि प्रदेश अध्यक्ष जी नए आए, उनका स्वागत सम्मान किए, जैसा आपने बताया भी संगठन भी रिलैक्स हुआ। और हम लोग खेल की भावना को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश स्तर पर, चूंकि आपने देखा होगा देश में सबसे ज़्यादा आपकी बार मेडल आया है भारत में, मोदी जी के नेतृत्व में खेल पर इतना उन्होंने ध्यान दिया है, और हम लोग उसी खेल को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर जब भी आते हैं विधायक लोग यहाँ जरूर आते हैं खेलने के लिए। देखिए बिल्कुल, पी एन पाठक भी हैं विधायक हमारे साथ। पाठक जी, आपने भी मैदान में आज हाथ आजमाए? हाँ, बहुत अच्छा मैच रहा, फ्रेंडली मैच था। आज संगठन वर्सेज एमएलए था, एमएलए वाले जीत गए हैं और आपसी था, भाईचारे के मैच था ये। और संगठन भी थोड़ा रिलैक्स हुआ ना अध्यक्ष के आने के बाद, बड़ा इंतजार हो रहा था। वो बिल्कुल, देखिए बिल्कुल तमाम सारे लोग हैं यहाँ पर, मैच खत्म हो गया। और यहाँ अगर हम कहें तो मैच जो है वो बीजेपी एमएलए 11 जो है उसने ये मैच जीता है। तमाम सारे जो खिलाड़ी हैं, संगठन के लोग हैं, वो सब यहाँ मौजूद हैं। हरीश, क्या रहा मैच में? मैच जो है टाई हुआ है, कार्यकर्ताओं के बीच जो मैच हुआ था आज का। तो देखिए यहाँ पर और भी लोग हैं, प्रकाश जी, अच्छा मैच रहा ये संगठन और एमएलए का? फर्स्ट क्लास संगठन, क्या कार्यकर्ताओं के और हम लोगों के बीच में, हम भी कार्यकर्ता वो भी कार्यकर्ता, तो खेल भावना के तहत आज मैच रखा गया था। और देखिए सुबह सुबह से गेट टू गैदरिंग हो जाती है और सब लोग आपस में मिल भी लेते हैं और खेल के प्रति एक रुझान, और ये कहिए कि खेल भावना को बढ़ावा मिलता है, अच्छा लगा। कौन पाठक जी? देखिए बिल्कुल यहाँ पर आज संगठन के जो लोग हैं और जो बीजेपी के विधायक हैं, सरकार में मंत्री हैं, उनके बीच ये फ्रेंडली मैच हुआ है। संगठन भी कहीं ना कहीं रिलैक्स हुआ है और जो विधायक हैं वो भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि खेलो इंडिया जो है उसको भी बढ़ावा देने के लिए, और ख़ासतौर से इस तरह से फ्रेंडली मैच कई बार वो लोग खेलते हैं जिससे कि संगठन के लोग विधायकों को जाने, विधायक संगठन को समझे, और कहीं ना कहीं ये खेल भावना का ही परिचय है। कैमरा से हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।